नमस्कार, मैं शुभम और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता ही होगा कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जीएसटी बिल 2016 में ही लोकसभा में पास हो चुका था, लेकिन राज्यों और केंद्र में जीएसटी को लेकर असहमति के कारण यह बिल राज्यसभा में अटका रहा। बहरहाल काफी मान मनोबल और समझौतों के बाद यह बिल राज्यसभा में भी अब पास हो चुका है और इसके साथ ही जीएसटी लागू होने का रास्ता भी साफ हो गया है। आज सरकार ने जीएसटी के टैक्स स्लैब का भी खुलासा कर दिया और इसके अंतर्गत उत्पाद और सेवाओं को 5 श्रेणियों में रखा गया है, जिन पर क्रमशः 0, 5, 12 और 18 और 28% का टैक्स लगेगा। सबसे ज्यादा उत्पाद और सेवाएं 18% टैक्स स्लैब में आएंगी, जबकि रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीएसटी सन 1947 के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और इसके लागू होने के साथ ही देश की जीडीपी 2 से 3% तक बढ़ जाएगी। दुनिया के 150 देशों ने जीएसटी को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था। अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी लागू होने के बाद एक आम उपभोक्ता को किस तरह से फायदा होगा, देश को जीएसटी का क्या फायदा होगा, निर्माता, होलसेलर, ट्रांसपोर्टर और रिटेलर को जीएसटी लागू होने से पहले किस तरह की तैयारियां करनी होगी, और एक सवाल ये भी उठता होगा कि जीएसटी को लेकर कि किसी प्रकार का जीएसटी से नुकसान होगा। तो आइए समझते हैं इन सवालों को एक एक करके। देश में दो तरह के टैक्स लगते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है जो हमारी इनकम से डायरेक्टली कट जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में कई प्रकार के टैक्स आते हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वगैरह। जीएसटी लागू होने के बाद ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स एक जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे, यानी किसी सामान पर लगने वाले कई प्रकार के टैक्सों के जगह अब केवल एक टैक्स यानी जीएसटी लगेगा। जीएसटी के तीन भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जीएसटी वो भाग है, जीएसटी का वो भाग है जो केंद्र सरकार को मिलता है जब कोई उत्पाद या सेवा किसी एक राज्य में बनकर उसी राज्य में बिकती है। वहीं एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जीएसटी का वो हिस्सा है जब कोई सामान एक राज्य में बनकर उसी राज्य में बिकता है तो राज्य को जो हिस्सा जीएसटी का प्राप्त होता है उसे एसजीएसटी कहते हैं। यानी जब कोई सामान एक राज्य में बनकर उसी राज्य में बिकेगा तो जीएसटी का पेमेंट विक्रेता को दो भागों में करना होगा, सीजीएसटी जो कि केंद्र सरकार को जाएगा और एसजीएसटी जो राज्य सरकार को जाएगा। जब कोई सामान एक राज्य में बनकर दूसरे राज्य में बेचा जाए तो वहां पर आईजीएसटी का पेमेंट होगा और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र सरकार को पे करना होता है। बाद में इंटीग्रेटेड जीएसटी में से राज्य का हिस्सा केंद्र सरकार रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर देती है। पहला एग्जांपल हमारे स्क्रीन पे खुल रहा है। इस एग्जाम्पल में हमने एक राज्य के अंदर ही सामान की बिक्री को दिखाने की कोशिश की है कि अगर कोई सामान एक राज्य में ही बनकर उसी राज्य में बिक जाता है तो जीएसटी उस पर किस प्रकार से लागू होगा। हमने एग्जाम्पल में तीन जगह जो ली है वो है पुणे, नासिक और मुंबई। ये तीनों ही महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब अगर कोई सामान पुणे में बना, फिर उसकी सप्लाई नासिक में हुई और उसके बाद मुंबई में हुई तो जीएसटी कैसे लगेगा। सपोज कीजिए पुणे में कोई सामान बना और उसकी कीमत हुई 10,000 रुपए। अब इस सामान को नासिक में सप्लाई करना है, नासिक में बेचना है, तो चूंकि ये अंतरराज्य यानी कि एक राज्य के अंदर ही सामान का ट्रांसफर है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही लगेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जीएसटी की दर 18% है, इस सामान पे लगने वाली जीएसटी की दर 18% है, तो 9% का यानी 900 रुपये सीजीएसटी केंद्र सरकार को मिलेंगे जब सामान पुणे से नासिक में आएगा, और 9% यानी 900 रुपये का ही एसजीएसटी मिलेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। यहां तक क्लियर हो गया, सामान पहुंच गया नासिक। अब नासिक के होलसेलर को फिर से इसी सामान की सप्लाई मुंबई में करनी है। फिर से एक राज्य के अंदर हुआ यह ट्रांजेक्शन है,
नासिक और मुंबई दोनों ही महाराष्ट्र में है, यहाँ पर अभी सेम पिक्चर होगी यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी 9% का, लेकिन नासिक के जो होलसेलर है उसने इस सामान को 15,000 में बेचना है, तो 15,000 के 9% यानी कि 1,350 रुपए का सीजीएसटी उसे केंद्र सरकार को भरना होगा। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज सामने में आएगी जो जीएसटी का मेन फीचर है यानी कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसी सामान पर जो कर पहले दिया जा चुका है उसका क्लेम दूसरा जो सेलर है वो करेगा और उस क्लेम में से जो वैल्यू होगी वो घटा के ही पेमेंट करना होगा। जैसे कि अब 15,000 में नासिक के होलसेलर को सामान मुंबई में बेचना है तो 15,000 का 9% यानी 1,350 रुपए सीजीएसटी बन रहे हैं, लेकिन उसी सामान पर 900 का सीजीएसटी पहले ही दिया जा चुका है तो यहाँ पे आईटीसी क्लेम होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम होगा। और यहाँ पे देखिए 1,350 में से आईटीसी ऑफ 900 घटा के यानी कि 450 रुपए का ही जो पेमेंट है वो नासिक के होलसेलर को केंद्र सरकार को करना होगा। और यही जीएसटी का मेन फीचर भी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी किसी सामान पर बार बार टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, जो टैक्स पहले दिया जा चुका है वो दूसरी बार देते वक्त उसको घटा दिया जाएगा। तो यानी आप ये भी शॉर्टकट में कह सकते हैं कि केवल बढ़े हुए मूल्य पर ही टैक्स लग रहा है। उसी प्रकार एसजीएसटी का भी पिक्चर सामने आएगी, 9% यहाँ पर भी आपका एसजीएसटी बनेगा यानी 13.5, माफ कीजिएगा स्क्रीन पर आपको सीजीएसटी ही दिख रहा है, वो टाइपिंग एरर हो सकती है, वो एसजीएसटी है जो नीचे वाला आप अभी को फ्लैश हुआ है वो SGST@9% यानी कि 1,350 रुपये है। लेकिन यहाँ पर भी जो टैक्स क्लेम होगा यानी आईटीसी होगा 900 का होगा, क्योंकि 900 पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल चुके हैं यानी टोटल जो है 450 रुपये ही एसजीएसटी के रूप में नासिक के होलसेलर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने होंगे और सामान मुंबई में पहुंच जाएगा। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, इसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कोई सामान का इनपुट टैक्स जो क्लेम होता है आईटीसी होता है वो कैसे होता है, और जो यही मेन फीचर है जीएसटी का। और इसीलिए शायद कहा भी जा रहा है कि जीएसटी आने के बाद जो सामान की वैल्यूज है सामान के प्राइस है वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि आपने देखा जो टैक्स पिछली बार दिया जा चुका था वो माइनस हो गया और बाकी रेस्ट अमाउंट पर ही टैक्स लगा। तो यही मेन फीचर भी जीएसटी का है जिसके कारण सरकार बार बार इस चीज़ को कह रही है कि जीएसटी आने के बाद सामान की वैल्यू कम होगी। बहरहाल हम बढ़ते हैं नए एग्जाम्पल की ओर, यहाँ पर थोड़ा सा और डीप में चलेंगे और आप देखेंगे कि इसमें जो सामान है एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बिकेगा उसमें जीएसटी कैसे हैंडल होगी, इसको हमने इस एग्जांपल में बताने की कोशिश की है। पहले कोई सामान वैसे ही है जो मोर और लेस पिछला एग्जांपल का है कि पुणे से कोई सामान बना उसके बाद उसकी सप्लाई नासिक में हुई, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा कि नासिक से फिर सामान की सप्लाई बैंगलोर में हो रही है। अब देखिए पहला जो दो शहर है वो तो महाराष्ट्र में ही है यानी कि सेम राज्य के अंदर हुआ ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब सामान की सप्लाई नासिक से बैंगलोर में होगी उसमें आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी और यहीं पर आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसका फिनोमिना आपको समझ में आएगा। तो फिर से चलिए शुरू करते हैं। पहले कोई सामान पुणे में बना और उसकी सेल प्राइस रखी गई 10,000 रुपये, 10,000 के सेल प्राइस पर अगर 18% जीएसटी मान लेते हैं तो फिर उसी प्रकार से 9% का सीजीएसटी केंद्र सरकार को मिलेगा, जबकि 9% का ही एसजीएसटी राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा। ये तो हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। अब नया है क्या है, जब सामान नासिक में पहुंच गया और उसके बाद नासिक से उस सामान की सप्लाई बेंगलोर में होनी है, उस कंडीशन में अगर नासिक के होलसेलर ने उस सामान की कीमत 15,000 रुपये रखी है, मान लीजिए 15,000 उस सामान की कीमत रखी हुई है, तो यहाँ पर चूंकि देखिए सामान अब दूसरे राज्य में जा रहा है तो यहाँ पे लगेगा केवल आईजीएसटी। आईजीएसटी हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये 18% होता है यानी कि दो हिस्सों में नहीं होता है, इकट्ठे होता है, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी के बराबर होता है और इसको कलेक्ट करती है केंद्र सरकार, बाद में राज्य का हिस्सा राज्य को रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। तो 15,000 का हम निकालेंगे
18% आया 2700 रुपए। एक्चुअल आईजीएसटी बन रहा है 15,000 पे 2700, लेकिन फिर से आईजीएसटी पर इनपुट टैक्स क्लेम होगा, यानी उसी सामान पर जो टैक्स पहले दिया जा चुका है उसका क्लेम नासिक का होलसेलर करेगा। और जब उसने क्लेम किया तो 2700 माइनस 900 माइनस 900, अब ये 900 दो बार क्यों घटाया गया है, क्योंकि दो बार दो चीज़ें 9900 की हुई हैं, पहले सीजीएसटी भी दिया गया है 900 का और एसजीएसटी 900 का दिया गया है उसी सामान पर। तो 2700 माइनस 900 माइनस 900, तो बचे हुआ 900 ही आईटीसी के रूप में नासिक के होलसेलर को केंद्र सरकार को पे करना होगा। अब आप देखिए केवल 900 ही पे करना होगा, 2700 में से जो 1800 का टैक्स पहले दिया जा चुका था पहले ट्रांजैक्शन के दौरान वो घटा दिया गया। अब देखिए एक और नया चीज़ आपको समझ में आता, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आएगा कि राज्य सरकार पहले जीएसटी का विरोध क्यों कर रही थी। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पहले ट्रांजैक्शन के दौरान जो टैक्स तो मिला है 900 का मिला, लेकिन उसको अब ये वापस करना होगा, क्योंकि जो होलसेलर है नासिक का उसने क्लेम कर दिया कि अब सामान दूसरे राज्य में बिक रहा है और हम आईजीएसटी में से 900 माइनस 900 यानी 900 का ही पेमेंट करेंगे केंद्र सरकार को। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने खाते में आए 900 रुपए वापस करने होंगे। ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इसी वजह से, और भी कई वजह थी वैसे पेट्रोल और पर लगने वाली लेवी वगैरह, लेकिन ये भी एक वजह थी कि राज्य सरकारें क्यों जीएसटी से थोड़ा हिचक रही थी, क्योंकि ये उसको फिर से 900 जो एसजीएसटी उसने मिला था पहले ट्रांजैक्शन के दौरान, यानी पुणे से नासिक जब सामान आया था उस दौरान जो 900 उसे मिले थे एसजीएसटी के रूप में, वो उसे केंद्र सरकार को अब वापस करना होगा, क्योंकि सामान अल्टीमेटली जो उसके कंज्यूमर है उस सामान का फाइनल डेस्टिनेशन है वो बेंगलोर यानी कर्नाटका में है। तो महाराष्ट्र सरकार को अपने खाते में आई 900 के एसजीएसटी को वापस करना होगा। तो ये एग्जांपल मुझे लगता है दो जो हमने आपके सामने रखा उससे जीएसटी के जो ट्रांजेक्शन है, जीएसटी पर की फिनोमिना कैसी है, जीएसटी पर टैक्स कैसे लगेगा, जीएसटी का टैक्सेशन सिस्टम कैसे है, ये आपको बहुत हद तक क्लियर होगा। अब आप लोगों ने देखा कि देश में प्रतिदिन होने वाले करोड़ों ट्रांजेक्शन की सेल इनवॉइस और सारे डाटा को रखने के लिए एक बड़े आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, और यह जरूरत पूरी करेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन। जीएसटीएन में 49% की हिस्सेदारी सरकार की होगी, जबकि 51% की हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनीज की होगी। जीएसटीएन द्वारा तैयार जीएसटी पोर्टल पर 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब जान लेते हैं कि आखिर जीएसटी का एक आम आदमी को क्या फायदा होगा। जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीएसटी आने के बाद किसी सामान की कीमत पूरे देश में एक हो जाएगी। जैसे मारुति की कोई कार, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रीजा, उसकी जो कीमत दिल्ली में होगी वही कीमत हरियाणा में होगी, वही कीमत यूपी में होगी। इसके साथ ही अभी हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण किसी सामान पर बार बार टैक्स नहीं लगेगा, जिससे सामान की कीमत कम होगी और ये एक आम उपभोक्ता को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा फायदा। अब देश की जीएसटी को क्या फायदा होगा? तो जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, टैक्स लीकेज कम होगी और इसके साथ ही देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। उद्योगपतियों को भी जीएसटी का भरपूर फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी आने के बाद उद्योगपतियों और व्यापारियों के समय और पैसे की बचत होगी। अंत में जीएसटी के संभावित नुकसान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ज्यादातर सेवाएं महंगी हो जाएंगी, जैसे मोबाइल और डीटीएच बिल्स, हवाई यात्रा, बैंकिंग सेवाएं, इसके साथ कुछ मादक चीजें जैसे शराब और तंबाकू भी महंगे हो जाएंगी। इसके अलावा लग्जरी चीजें जैसे कि मर्सिडीज कार वगैरह वगैरह भी महंगी होंगी। ये थी पूरी खबर जीएसटी के संबंध में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों तक शेयर करें, ताकि जीएसटी के संबंध में जो डर है, जो जनता के मन में जो डर है, व्यापारियों के मन में जो डर है, वो कुछ हद तक कम हो सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।